नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। केरल के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड 19 के इलाज की कीमतें तय करने के बाद अब पिनराई विजयन की सरकार ने पीपीई किट्स और मास्क जैसी जरूरी वस्तुओं के भी दाम तय कर दिए हैं। राज्य सरकार ने केरल एसेंशियल आर्टिकल्स कंट्रोल एक्ट 1986 लागू कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ट्विटर से इसकी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अब राज्य में पीपी किट और मास्क जैसी चीज़ों के दाम फिक्स रेट से ज़्यादा नहीं वसूले जा सकते हैं। नए रेट के मुताबिक एक पीपी किट की कीमत 273 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी और एक N95 मास्क की कीमत 22 रुपये होगी। इसके अलावा तीन लेयर वाले मास्क की कीमत 3.90 रुपये, फेस शील्ड 21 रुपये, डिस्पोजेबल एप्रन 12 रुपये का मिलेगा। सर्जिकल गाउन की कीमत 65 रुपये तय की गई है। इंस्पेक्शन ग्लव्स 5.75 रुपये, हैंड सैनिटाइजर 500 मिलीलीटर वाला 192 रुपये में मिलेगा और ऑक्सीजन मास्क 54 रुपये में मिलेगा। इसी तरह अब केरल में फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। आपको बता दें, इससे पहले केरल सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के रेट फिक्स किए थे। सरकारी आदेश के मुताबिक सामान्य वार्ड की फीस 2645 रुपये रोज़ाना तय की गई थी। इसमें रजिस्ट्रेशन, बिस्तर, नर्सिंग और बोर्डिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन एक्सरे और जांच सब शामिल है। इससे पहले 29 अप्रैल को राज्य के निजी अस्पतालों में आरटीपीसीआर टेस्टिंग के दाम कम करके 1700 रुपये से 500 रुपये किए गए थे। हालांकि राज्य सरकार के अस्पतालों में मुफ्त में टेस्टिंग होती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को काबू में करने के लिए राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब केरल में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे पहले राज्य में 8 से 18 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि जिलों में जाँच में संक्रमण की उच्च दर सामने आने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।